Hello everyone, welcome to our channel Nursery to Versity. It is an initiative to enlighten the global public with the knowledge of several miscellaneous fields, and I am one of the members of Nursery to Versity. In this series of channel, I am going to teach you code vita problems. So let's start with our first topic, Chakravyuh. Good morning, Nursery to Versity is code vita problem series mein aapka swagat hai. Aaj hum apni pehli problem जो कोड वीटा 2017 में पूछी गई थी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम का नाम था चक्रव्यूह. अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि यहाँ पे महाभारत का युद्ध हो रहा था. उस समय अर्जुन बहुत दूर चले गए थे युद्ध भूमि से. तब गुरु द्रोण ने एक चक्रव्यूह रचा और कौरवों ने एक ट्राई किया कि युधिष्ठिर महाराज को पकड़ लिया जाए. अब अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे वो अकेले ही ऐसे एकमात्र योद्धा थे वहाँ पे जो जानते थे कि कैसे क्रैक किया जा सकता है या भेदा जा सकता है चक्रव्यूह को. अब उन्होंने इसको भेदने का निश्चय किया. अब अभिमन्यु इतने निपुण थे कि वो बाकी की आर्मी से बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते थे. इस चिंता में युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि अभिमन्यु को कैसे ट्रैक किया जाएगा. उसके लिए उन्होंने एक पावर पॉइंट इस प्रॉब्लम में पावर पॉइंट 11 का मल्टीपल होगा जो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, उससे इसको ट्रैक किया जा सकता था. अब चक्रव्यूह प्रॉब्लम है क्या? ये एक व्हील लाइक एक स्पायरल फॉर्म्ड प्रॉब्लम है. यहाँ पे यहाँ से 0-0 पोजीशन से एंट्री होगी और अभिमन्यु को सेंटर में पहुँचना है जहाँ पे कमांडर इन चीफ मौजूद है. अभिमन्यु को मूव करना है, ये एक स्पायरल फॉर्म बनता जाएगा और उसे सेंटर में यानी 25 पोजीशन में यहाँ तक पहुँचना है. तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट 0-0 पे इसको पावर पॉइंट मिलेगा अभिमन्यु को. देन जो पावर पॉइंट्स मिलेंगे वो 11 के मल्टीपल का. इस पोजीशन पे एक पावर पॉइंट मिला, ये 11 है. इस पे एक पावर पॉइंट मिला, 22 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 11. यहाँ पे एक पावर पॉइंट मिलेगा, अगर ये मैट्रिक्स बड़ी होगी तो 33, 44 एंड सो ऑन. ये पोजीशंस वो हैं जहाँ आपको पावर पॉइंट मिलेगा. अब जो इनपुट फॉर्मेट क्या होगा इस प्रॉब्लम का, इनपुट जो लाइन्स है वो एक एन नंबर यूजर से पूछेगा, ठीक है, और एक स्क्वायर एरे बनेगा जिसकी लेंथ और ब्रेथ एन होगी. अब आउटपुट फॉर्मेट क्या होना चाहिए इस प्रॉब्लम का, यहाँ एन इंटू एन एक मैट्रिक्स बनेगी आप देख सकते हैं, और ये मैट्रिक्स स्पायरल फॉर्म में होनी चाहिए. यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3, अगर 5 इनपुट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक स्पायरल फॉर्म में ये इंक्रीज होती जाएगी. और ये पहले तो इस मैट्रिक्स को प्रिंट करना है, देन सेकेंड हमें टोटल कितने पावर पॉइंट कलेक्ट हुए ये प्रिंट करना होगा, और तीसरा हमें प्रिंट करना है उन पावर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले जब बताया कि 0-0 है, यहाँ एक पावर पॉइंट मिलेगा तो ये 0-0 प्रिंट होगा. इधर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ये प्रिंट करना हमें, और ये 22 है इसका, अगर मैट्रिक्स का साइज एन की वैल्यू 5 है तो आप देख सकते हैं सैम्पल इनपुट और सैम्पल आउटपुट्स क्या हो सकते हैं. यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनपुट 2 किया गया है तो ये मैट्रिक्स होगी 1 2 3 4, और यहाँ पावर पॉइंट सिर्फ एक ही है, ये 0-0 पोजीशन का, कोई 11 का मल्टीपल है नहीं. ऐसे अगर सेकंड सैम्पल इनपुट 5 दिया गया है तो ये एक मैट्रिक्स बनी है जो भी हमने जस्ट पहले देखी थी. यहाँ तीन पावर पॉइंट्स होंगे, एक ये 0-0 पोजीशन वाला, एक 4-2 पोजीशन वाला, यानी ये 11-4 और बाय 2 फोर्थ रो की वैल्यू है और 2 कॉलम की वैल्यू. ऐसे 3 बाय 2, तो 3 रो की वैल्यू है सेकंड कॉलम पे. यहाँ 0 से शुरू हो रहा है रो एंड कॉलम भी 0 से शुरू हो रहा है. सबसे पहले हम फर्स्ट रो जो टॉप मोस्ट रो है जो एरो आप देख सकते हैं उस डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे, देन राइट मोस्ट कॉलम इसके बाद ट्रेवर्स होगा जैसे कि एनिमेशन में आपको दिख रहा है, देन बॉटम मोस्ट रो रिवर्स डायरेक्शन में एरो की डायरेक्शन में, देन अगेन ट्रेवर्स करेंगे हम अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो होगी फर्स्ट कॉलम. अब हमने इस प्रॉब्लम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, राइट डाउन लेफ्ट एंड अप, और यही चीज़ हम बार बार इसमें रिपीट करते जाएंगे. आप जब पहली बार इसको ट्रेवर्स करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर हमने जो फर्स्ट रो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, एरे का साइज रिड्यूस हो जाएगा. ऐसे ही जब हम बॉटम मोस्ट के अंदर लेफ्ट में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं उसका साइज अगेन रिड्यूस हो, ग्रीन एंट्रीज हैं ये पावर पॉइंट की पोजीशन है 11 के मल्टीपल में, और 1 है स्टार्टिंग.
अब आप इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, या हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चार वेरिएबल लिए हैं। जैसे देख सकते हैं टी एक वेरिएबल है जो फर्स्ट रो को स्टार्टिंग रो को पॉइंट करेगा, बी है ये बॉटम मोस्ट रो को पॉइंट करेगा, एल जो है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम को पॉइंट करेगा, और आर वेरिएबल है वो राइट मोस्ट कॉलम को पॉइंट करेगा। यहाँ हमने एक छोटा सा कोड लिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये कोड जो आप देख सकते हैं टी ये कंडीशन है वाई की, टी इज़ लेस देन बी, आप देख सकते हैं टी की वैल्यू जीरो है जो फोर से कम है, और एल की वैल्यू जीरो लेस देन फोर है। ये फॉर लूप ये फर्स्ट रो को ट्रेवर्स करने के लिए करेगा ये वाला जो कोड है, बाकी पूरा कंप्लीट प्रोग्राम हम आगे देखेंगे, पर ये जो कोड है ये फर्स्ट रो को ट्रेवर्स कर रहा है। इसे हम एनिमेटेड फॉर्म में अभी आगे समझेंगे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी तरह से एल की वैल्यू जीरो से इनिशियलाइज हुई और आर फाइव माइनस वन फोर, क्योंकि फाइव बाय फाइव मैट्रिक्स है। अब हमें यहाँ कंडीशन जो लगानी है वो टी शुड बी लेस देन बी, यानी जो टॉप है वो बॉटम से कम होना चाहिए, और एल जो है वो इस राइट मोस्ट से कम होगी। ये एल इंक्रीज होता जाएगा, आर डिक्रीज होता जाएगा, इसी तरह से टी इंक्रीज होता जाएगा और बी डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ लॉजिकल एंड कंडीशन लगाई है। ये कंडीशन क्या बताएगी, जब तक आप इस एवरेज के अंदर कोई भी एक एलिमेंट है तब तक ट्रेवर्स करना है। ये जो आप फॉर लूप देख रहे हैं, ये फॉर लूप क्या बता रहा है, ये लूप फर्स्ट रो को कैसे ट्रेवर्स किया जाएगा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। आप देख सकते हैं टी इज इनिशियलाइज विद जीरो, बी इज इनिशियलाइज विद एन माइनस वन, एन इज फाइव तो फाइव माइनस वन इज फोर। इसी तरह से एल जीरो से इनिशियलाइज हुआ, आर एन माइनस वन यानी फोर तक होता है। अब यहाँ ये टी वेरिएबल क्या है, टी एक हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसको हमने वन से इनिशियलाइज किया है, और जैसे जैसे हम ट्रेवर्स होते जाएंगे पी को इंक्रीज करते जाएंगे और ये वैल्यू इसमें डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं पी प्लस प्लस, फर्स्ट पी वन आएगा, फिर पी प्लस वन टू हो जाएगा, नेक्स्ट एंट्री में टू देन थ्री लाइक वाइज। तो आइए देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कोड है फॉर लूप का, ये वाला फर्स्ट रो के लिए है। यहाँ इस लूप को जब हम एक्सपेंड करेंगे, आप देख सकते हैं ए टी आई, तो ये आई एल टू आर चलना है, एल की वैल्यू जीरो है, आर की वैल्यू फोर है, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो जीरो टू फोर। तो यहाँ आई की वैल्यू जीरो टू फोर पुट करेंगे तो ये एक्सपेंड होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ए टी जीरो, ए टी वन, ए टी टू। और टी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, टी अभी जीरो है, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। यानी जब ये पूरा लूप ओपन होगा, ये फाइव टाइम चल रहा है लूप जीरो से फोर तक, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट कंडीशन ए जीरो जीरो एग्जीक्यूट होगी तो वन ए जीरो जीरो पर जा रहा है, ये ए जीरो जीरो पोजिशन है। इसी तरह से टू की वैल्यू ए जीरो वन यानी इस पोजिशन पर आएगी। इसी तरह से जो थ्री है, अब आप देख सकते हैं वन टू थ्री ऑल आर पीस, पी वन से इनिशियलाइज हुआ, इंक्रीज हो गया टू, इंक्रीज हो गया थ्री, फोर, फाइव लाइक वाइज। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री जीरो थ्री पर जाएगी, ये फोर्थ एंट्री, देन जीरो फोर पे फिफ्थ एंट्री। तो ये जो लूप है, ये लूप क्या कर रहा है, जो सबसे टॉप मोस्ट रो है उसको ट्रेवर्स कर रहा है। अब ये नेक्स्ट कोड देख रहे हैं, ये तो आपका टॉप मोस्ट कोड के लिए हो गया। मैंने बताया था इस प्रॉब्लम को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट, डाउन, लेफ्ट एंड अप। तो जो राइट वाला है, टॉप मोस्ट वाला, ये कोड देता। अब ये नेक्स्ट कोड सेगमेंट देख रहे हैं, ये अब डाउन पोजिशन के लिए, जो राइट मोस्ट में हम डाउन पोजिशन में जाएंगे उसके लिए। तो ये फॉर लूप है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये फॉर लूप कुछ इस तरह से होगा। ये फॉर लूप हमें कहाँ से शुरू करना है, अब आप देख सकते हैं कि ये टी प्लस प्लस होने से पहले, टी जब जीरो था तो टी प्लस प्लस इंक्रीज होने से पहले ये टी यहाँ आ गया, यानी अब हम नेक्स्ट टाइम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, अब हमारा एरे सिर्फ यहाँ तक रहेगा। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि टी इंक्रीज होकर वन हो गया, तो यानी इस अब नेक्स्ट टाइम हमें इसको कंसिडर नहीं करना, नेक्स्ट टाइम हमें सिर्फ इस एरे को लेना है। तो अब यहाँ ये देख रहे हैं कि टी लूप चलाना है टी से लेके बी तक, यानी हम यहाँ से लेके यहाँ चलेंगे। और इस कोड को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आई की जगह टी से लेके बी तक, टी देखो आप देखो वन से लेके फोर, तो वन से लेके फोर तक एक्सपेंड किया तो वन आर, टू आर, थ्री आर, फोर आर, मतलब ये फॉर लूप एक्सपेंड करता है। और आर की वैल्यू आप देखेंगे फोर है, तो अगर पुट करेंगे तो समथिंग ये इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ए वन फोर्थ पोजिशन पर सिक्स आएगा, तो ये ए वन फोर्थ ये पोजिशन है यहाँ सिक्स चला गया, ए टू फोर्थ सेवन्थ एलिमेंट चले जाएंगे, ये जो पोजीशन है जहाँ भी सेवन गया है वो ए टू फोर आप देखते हैं, जीरो वन टू, जीरो वन टू थ्री फोर, तो ये क्या हो गया टू फोर पोजीशन। ऐसे ही थ्री फोर्थ पोजीशन पे एट वाली चली जाएगी,
ऐसे फोर्थ पोजीशन पे लैंड कर चुके हैं। तो इस लॉजिक से ये जो वाला लॉजिक है ये राइट मोस्ट जो आप डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ट्रेवल्स करेंगे ये उसके लिए। अब आप देख सकते हैं कि बॉटम मोस्ट, मैंने बताया कि ये दो पार्ट हो गए, अब हमें बॉटम मोस्ट इस तरह से हमें ट्रेवल्स करना है। तो ये जो कोड है ये बॉटम मोस्ट के लिए, यहाँ आप देख सकते हैं हमने कंडीशन एक लगाई है टी लेस देन बी, ताकि हम इसे पूरा ट्रेवल्स कर सकें। तो टी की अभी आप देख सकते हैं वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 4 है, 1 इज़ लेस देन 4। ये फॉर लूप जो हम एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ आई की वैल्यू आर से एल तक चल रही है, आर अभी ये 3 हो गया, क्यों आप लोग राइट में ट्रेवल्स किया था तो आर को आपने डिक्रीमेंट कर दिया था, तो 4 से डिक्रीमेंट होती है आर 3 पे आ गया। तो अब आप यहाँ पे पुट करिए वैल्यू आर से लेके एल तक डिक्रीमेंट ऑर्डर में, तो 3 2 1 0, तो आपने 3 2 1 0 ये उस आई की जगह रखा, तो ये इस तरह से एक्सपेंड हो गया। और बी की वैल्यू 4 है, तो अगर हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ बी की जगह 4 आ जाएगा। तो अब ये एक्सपेंड होने पे कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। तो 4 3 पोजीशन पे आप क्या करेंगे, 10 वैल्यू चली जाएगी, ये 10 ये सिंपल पी है, इंक्रीज होता जा रहा है 9 10 समथिंग। और ए 4 2 पोजीशन पे 11 चले जाएगा, ऐसे ही ए 4 1 पोजीशन पे 12 चले जाएगा, ऐसे ही ए 4 0 पोजीशन पे 13 चले जाएगा। अब आपने टॉप मोस्ट, राइट मोस्ट, बॉटम जो लेफ्ट मोस्ट कर लिया, अब पोजीशन पे जो लेफ्ट मोस्ट है वो कैसे ट्रेवल्स होगा। तो ये जो कोड है ये उसके लिए, यहाँ हमने कंडीशन लगाई एल इज़ लेस देन आर, एल जो है 0 है, आर इज़ 3 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इससे पहले आपने बी को डिक्रीमेंट कर दिया था, तो ये 4 से डिक्रीमेंट होकर बी कहाँ गया 3 तक, यानी अब हम सिर्फ इस एरे को ट्रेवल्स कर रहे हैं, बाकी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ एल आई की वैल्यू अगर बी से लेके टी तक, बी 3 है, 2 1 3 2 1 ये आप वैल्यूज रखेंगे, और L की जगह हम यहाँ 0 है तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो समथिंग इस तरह से आ जाएगा, यानी 3 0 पोजीशन पे 14 आ जाएगा, ऐसे ही 2 0 पोजीशन पे 15 आ जाएगा, ऐसे ही 1 0 पोजीशन पे 16 आ जाएगा। तो आपका ये ट्रेवर्स हो गया। अब अगेन हम उनको टॉप मोस्ट के लिए वापस से कंडीशन पर जाएंगे, ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाई होगी, टी इज़ लेस देन बी, टी 1 है, बी की वैल्यू 3 है, ये कंडीशन ट्री हो गई, L इज़ लेस देन R, L 1 है, R 3 है, अगेन ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम वापस से लूप के अंदर एंट्री होंगे, और जो अभी हमने ये ट्रेवर्स किया था ये अगेन कुछ इस तरह से नज़र आएगा, तो यहाँ ये इसी तरह से ये रिपीट होता जाएगा, और बाकी आप इसको रिपीट करते जाएंगे, सेम ही ऐसे ही वर्क करता जाएगा। ये जो मैंने कोड लिखा है ये पावर पॉइंट कैलकुलेशन के लिए, आपको पता है कि पावर पॉइंट जो है वो मल्टीपल लेवल होनी चाहिए, तो हमने नेस्टेड लूप लिया और इसके अंदर हमने मॉडलस लेवल, मॉडलस नहीं मीन्स अगर वो मल्टीपल ऑफ 11 है तो पावर पॉइंट को हम प्लस प्लस करते जाएंगे, तो ये कैलकुलेट करता जाएगा। यहाँ हमने 0 0 पोजीशन पावर पॉइंट प्रिंट कर दिया, और अगर वो मल्टीपल 11 है तो वो पोजीशंस आई और जी की हमने प्रिंट कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एनिमेशन के थ्रू ये 0 0 यानी 1 पोजीशन पावर पॉइंट यहाँ मिला, 11 को मिला, एंड 22 ये मल्टीपल है यहाँ पावर पॉइंट। ये जो कोड आप देख रहे हैं ये कोड मेन फंक्शन का है, जहाँ हम डायनेमिकली एरे को अलोकेट कर रहे हैं एरे को, और यहाँ स्टैटिक फंक्शन को हमने कॉल करके हमने ये एरे एलोकेट किया था वो, और साइज यूजर से पूछने के बाद वो। तो आइए हम इसका सी प्रोग्राम देखते हैं, वैसे मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और अब हम इसे टर्बो सी के अंदर रन करके देखते हैं इसका क्या आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का, और पूरा प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम है, यहाँ सबसे पहले नीचे मेन है, यहाँ हमने एक एन वेरिएबल लिया है, एन हम यूज़र से पूछेंगे उसकी वैल्यू, और यहाँ हमने कंस्टेंट लगाया है, यहाँ गिवन है प्रॉब्लम के कि एन जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और एन की वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए। अगर ये कंस्टेंट सेटिस्फाई हो रहा है तो हम यहाँ 2 डायमेंशन एरे को डायनेमिकली एलोकेट करेंगे, कि फर्स्ट लाइन जो है वो रो को एलोकेट कर रही है डायनेमिकली, और ये वाली लाइन उसी के कॉरस्पॉन्डेंस कॉलम को कर रही है, यहाँ रो एंड कॉलम दोनों एन है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, एन जो भी यूजर देगा उसके अकॉर्डिंग 2D मैट्रिक्स। अब हमने एक चक्रव्यूह नाम का फंक्शन कॉल किया है जो हमने बना रखा है,
जिसमें हमने उस एरे को पास किया जो भी एलोकेट किया और एन का जो साइज़ है वो पास किया। अगर ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हमने एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर दिया है कि एंटर द वैलिड वैल्यू ऑफ एन, जो कि जीरो से बड़ी और लेस देन इक्वल टू 100 होनी चाहिए। तो अब देखते हैं चक्रव्यू जो फंक्शन है वहाँ क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि चक्रव्यू फंक्शन है ये, फर्स्ट हमने पास किया था 2D एरे और सेकंड वैल्यू जो पास की थी हमने 2D एरे को हम एक पॉइंटर टू पॉइंटर से पॉइंट करवा सकते हैं और सेकंड जो साइज़ एन है। यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने एनिमेशन से बताया था, टी टॉप रो को पॉइंट करा था, जीरो से इनिशियलाइज़ किया, बी बॉटम को जो एन माइनस वन से इनिशियलाइज़ किया, एल आर, यहाँ पी सिंपली इंक्रीज होता जाता था, वैल्यूज़ लेता जाता था 1, 2, 3, 4 स्पायरली फॉर्म के अंदर, और पावर एक वेरिएबल है जो पावर पॉइंट कितने कैलकुलेट किए उसकी काउंटिंग रखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंडीशन लगाई थी टी इज़ लेस देन बी जो मैंने अभी आपको समझाई थी, एल इज़ लेस देन आर, ये जो है लूप ये टॉप मोस्ट 2D एरे को ट्रेवर्स करने का काम करेगा, ये जो लूप है वो राइट मोस्ट अप टू डाउन को ट्रेवर्स करने का काम करेगा, ये जो लूप है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका था बॉटम मोस्ट राइट टू लेफ्ट को ट्रेवर्स करने का काम करेगा, और ये वाला जो लूप है ये लेफ्ट मोस्ट अप डायरेक्शन में जो हम जा रहे थे उसको ट्रेवर्स करने का काम कर रहा था। ये एक चीज़ हम बार बार कंडीशन में डाल के चेक करें, हमने सिर्फ 4 ही इसके कंडीशन दिए हैं और वापस से वो रिपीट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती जाएगी, तो वो स्पायरल फॉर्म में वो इटरेट होता जाएगा। यहाँ हमने क्या किया है कि सिंपली उसको प्रिंट कर दिया है, जो हमारा पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हमें प्रिंट करना है उस एरे को। सेकंड हमने क्या किया है कि हमने पावर पॉइंट की कैलकुलेशन कर ली, हमने क्या किया है कि पावर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम पावर पॉइंट को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, तो ये हमें काउंटिंग बताएगा कि कितने पावर पॉइंट हैं, और ये जो है आपको 00 पोजीशन में पावर पॉइंट प्रिंट कर रहा है और टोटल पावर पॉइंट कौन कौन से हैं उन्हें प्रिंट कर रहा है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई 11 का मल्टीपल है तो हम आई और जी की वैल्यू को हम प्रिंट करते जा रहे हैं। This is all for today's lecture. Hope you have enjoyed this tutorial, and if you have any queries you can either comment in the comment box or mail us at nerd2ware@gmail.com. You can also follow us on Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. You can see the links here, and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching. Stay tuned.